अभी हम देखेंगे 676 का वर्गमूल कितना होता है। वर्गमूल का आप कैसे लिखते हैं? अंडरूट से लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम भाग विधि काम में लेंगे, तो एक ही बार समझना है तो ध्यान से समझ लो। भाग विधि में यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, तो एक बच्चा जवाब दे रहा है कि सर हम दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे, इस तीर के निशान के दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह जोड़ा बन गया, फिर अंदर में एक अंक की संख्या कितना रहा है? 6। अब इसके लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे, ये संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक। कैसे? जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या हो, 6 से बड़ा ना हो, 6 के नज़दीक हो। तो 2 गुणा 2 लेते हैं, 6 के नज़दीक पहुंच गए हम, ठीक है। आगे यदि आप 3 गुणा 3 देखें तो क्या रहे, 6 से बड़ा रहे, इसके लिए हमने इसको नहीं लिया, इसको लिया 1, और इसको हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। 2 अंक जो हमने ऊपर अंडरलाइन किया उसको यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, आसान है। अब लगाओ दिमाग कि इसके साथ कौन सी संख्या लें, उसी का गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। देखिए हमने क्या किया, संख्या लिया, उसके बाद गुणा किया, जोड़ा और घटाया। तो अब इन्हीं स्टेप को वापस हमें रिपीट करना है। तो जैसे इसके साथ मैं 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ, 6 संख 36, 3 के लिए आ गया, 4 संख 24 और 3 27, किसको लिया, 6 को, तो यहाँ लिख दो। फिर घटाया, 0 आ गया, 0 आ गया, आगे कोई अंक नहीं, मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू बना है कितना, 26, यह आपका क्या है, आंसर है। देखिए कितना आसान है। तो सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।